संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। जो ये आंदोलन हुआ है, इसमें देश के किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, और एक बड़ी जीत है कि देशद्रोही के मुकदमे होने के बावजूद बिना किसी शर्त, बिना कोई जमानत दिए साथियों को रिहा करना पड़ा। तो ये जनता का दबाव है, किसानों का दबाव जो है सरकार के ऊपर, उसकी वजह से है। वरना देशद्रोही की धारा लगने के बाद में 2 साल तक कहते जमानत नहीं होती, लेकिन ये सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। इस आंदोलन के चलते हमने 1-2 घंटे के लिए रोड जाम की कॉल दी थी, तो आज हमें ये भी पता चला है कि वो रोड जाम जहाँ पे किया 3 जगह, वहाँ पर भी इन्होंने किसानों के नाम 3 जगह FIR भी और काट दी गई है। तो ये सरकार जो है वो जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। इनसे और जोर तो चलता नहीं है, किसी किसान को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कागज़ों के अंदर इस तरीके से FIR काट के और उसकी न्यूज़ दे के ये जनता के अंदर एक दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं कि लोग जो है वो डर जाएं और आंदोलन से पीछे हट जाएं। जितना ये सरकार दमन करेगी उतनी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग आंदोलन के अंदर आएंगे। अभी हमें जो कल रिहाई हुई है उसके ऑर्डर हमें मिले हैं, तो हमें पता ये चला है कि सरकार ने खुद जो है इसकी एक जमानत दी है और उसमें जो 5 किसान साथी है उनको रिहा किया है, और ऑर्डर के अंदर ये भी लिखा है कि प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जो है वो भगोड़ा है, वो हाथ नहीं आया है, फरार है। जबकि 6 दिन से लगातार हम SP ऑफिस के आगे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, दिन रात यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। SP DC के साथ हमने मीटिंग भी की है इस बातों को लेकर, लेकिन ये किस तरीके से एक छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, या पब्लिक में कुछ कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं, कागज़ों में ये कुछ कहते हैं। हम ना तो आज तक मुकदमों के वापस करने के लिए लड़े हैं, ना हम आगे लड़ेंगे। हमें ना तो मुकदमों का डर लगता है, बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर नहीं रहने देंगे। ये इनकी खुद के खाते बही है, ये जितना मर्जी सरकार मुकदमे बनाएं, कोई धाराएं लगाएं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारे साथियों को जेल के अंदर नहीं जाने देंगे। किसी भी किसान साथी को अगर प्रशासन ने, पुलिस ने गांव में जाके किसी को भी उठाने की कोशिश की, उसके लिए पूरे गांव के अंदर कमेटियां बना के तैयारियां कर दी गई है कि अब सब ने अलर्ट रहना है। सभी गुरु घरों के अंदर कह दिया गया है कि जिस तरीके से भी कोई पुलिस आए और अगर किसी भी किसान साथी को उठाने की कोशिश करे तो एक आवाज़ लगानी है और पूरा गांव उसी टाइम इकट्ठा हो जाएगा। हम अपने किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुकदमे पहले भी बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी बने थे, उससे पहले भी बहुत से हमारे ऊपर मुकदमे बने हैं, अब भी इन्होंने मुकदमे बना दिए। देशद्रोही की जो धाराएँ लगाई हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है कि इस तरीके की धाराएँ आप किसी की आवाज़ को दबाने के लिए नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन ये घमंडी सरकार है। इस सरकार ने कितने लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे बना रखे हैं, झूठे मुकदमे बना रखे हैं, और ये तो राह चलते ही मुकदमे बनाने का काम करती है ये सरकार। ये सरकार जो है असल में जनता की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, और ये कॉरपोरेट के इशारे के ऊपर आंदोलन को दबाना चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए। टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने हमारे ऊपर झूठे लांछन लगाने की काम की, किसानों ने एक ने आत्महत्या की उसको लेकर भी इन्होंने ऐसा झूठा प्रचार किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये किसानों ने उस किसान को जानबूझ के जला दिया, जबकि उस किसान का खुद का वीडियो फुटेज सारा कुछ आ गया, तो इनकी बदनामी भी खूब हुई। तो आज पूरी जगह चारों तरफ इस सरकार की फजीहत हो रही है, हर तरफ लोग जो है, चाहे वो वकील है, चाहे वो बुद्धिजीवी है, पूरे देश के अंदर हर तरफ लोग इस सरकार की आज निंदा कर रहे हैं कि अपने देश के नागरिकों के ऊपर देशद्रोही की धारा लगा देना कहां तक सही है। ये सरकार एकदम कॉरपोरेट के हवाले देश को करना चाह रही है, जो अंग्रेज पहले इस तरीके से किया करते थे कि यहां की जो संपत्ति है लोगों की और सारी उनको अपने कब्जे में करने के लिए वो इस तरीके के
हथकंडे अपनाते थे कि कोई भी विरोध करता उसके खिलाफ वो देशद्रोही की धारा लगा देते थे और उनको जेलों में डाल देते थे और उनको वो जेलों में ही सड़ जाया करते थे। बहुत से लोगों के ऊपर इस तरीके के मुकदमे उन्होंने दर्ज किए थे और ये सरकार जो है अपने देश के नागरिकों को आज देशद्रोही मान रही है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश को दोबारा से गुलाम होने से बचाना है। अभी हम 70-75 साल पहले ही आज़ाद हुए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अब दोबारा से फिर देश के अंदर एक कंपनी का कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं 3 कानूनों के माध्यम से और इस देश को दोबारा से फिर कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ़ हमारा संघर्ष है। हमारे जितने आगू लोग हैं उन सब के ऊपर इन्होंने बड़े संगीन धाराएं लगा के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। अब भी ये और मुकदमे भी करें हमें इस बात की चिंता नहीं है, ना हमें इसकी परवाह है। हम सड़क पर पहले लड़े थे, अब भी सड़क पर लड़ेंगे। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये चाहे कितने ही मुकदमे बना दे हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है।